वो क्या बोलते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है, और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खंडहर बन चुका है। और विद्यालय के क्या बोलते हैं कि पहले एक चापाकल है, और चापाकल के बगल में शौचालय है, किचन है, और तमाम प्रकार की जो चीज़ें होनी चाहिए विद्यालय में वो है। लेकिन नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें आपसे कुछ सवाल है, उस सवालों का हमको जवाब दे दीजिए, बस यहाँ से निकलेंगे। स्टार्टिंग में जब हम आए सर, तो आपका जो किचन है उसका स्थिति बहुत जर्जर है। ABCD में कितने अक्षर होते हैं पता है? 26। मतलब कि हमको सवाल पूछने से पहले बता दिया सर, इतने मतलब कि बच्चे टैलेंटेड हैं हम। मुख्यमंत्री कौन है बिहार? नीतीश कुमार। ये सब कौन बताते हैं आपको? मैम बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 77 बड़ा है कि 78 बड़ा? 78। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये पहला हमको विद्यालय मिला है जो मतलब कि बरामदे में पंखा लगवा दिया है सर, जो खाना खाने के लिए। और कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ के क्लास रूम में भी पंखे नहीं होते हैं, मतलब कि कौन यहाँ के? ये तो सर खुद हम लेते हैं, जब हम यहाँ का एज ए प्रभारी। यहाँ पर खाना बनाने गए से ना, अब आप ये ना, हमारा गलती कोई गलती ना हो सर। नहीं, आपका गलती नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए कि आपको गैस नहीं हो गैस, बाकी खाना चूल्हे पर बन भाई सकते हैं। एक दिन नहीं थे तो मैडम चाहिए कुछ एक आ गए ग्रामीण के, तो कुछ लोग यहाँ उल्टा सीधा बोलने लगे। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर गया मुख्य मार्ग के बगल में, और हमारे इस क्या बोलते हैं कि स्थान से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे एक विद्यालय हमको दिखाई दे रहा है। और हम उस विद्यालय में जो मतलब कि दूर से जो हमको प्रतीत हो रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि विद्यालय की स्थिति जर्जर है। और इस पगडंडियों के सहारे यहाँ के जो भी मतलब कि हेडमास्टर साहब होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो जाते हैं। और ये जो पगडंडी है वो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले ये नाला रहा हुआ होगा, और इसी नाले के सहारे यहाँ के मतलब कि जो हेडमास्टर साहब होते हैं, यहाँ के जो मास्टर साहब होते हैं, यहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो इसी पगडंडियों के सहारे क्या बोलते हैं कि विद्यालय में जाते हैं। और हम भी उस विद्यालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किया उस विद्यालय तक जाएंगे, और वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। बिहार में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं कि अनाज ना होने की वजह से, चावल ना होने की वजह से मिड डे मील का जो खाना है वो बंद हो चुका है, और बच्चों को जो मतलब कि पोषाहार क्या बोलते हैं कि जो मिड डे मील का खाना मिलना चाहिए वो भी बहुत सारे विद्यालयों में बंद हो चुका है। इस्लामपुर के भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर खाना बंद हो चुका है। और ये काजी चक का क्या बोलते हैं कि अब प्रतीत ऐसा हो रहा है कि प्राथमिक विद्यालय है। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं, वैसे वैसे दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक विद्यालय है, और इसका गांव का नाम है काजी चक, और वो जो सड़क है वो मुख्य सड़क है जो कि इस्लामपुर से गया को जोड़ती है। और क्या बोलते हैं कि उधर कैमरा कीजिएगा गौतम जी, और मैं उधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या बोलते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है, और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खंडहर बन चुका है। और विद्यालय के क्या बोलते हैं कि पहले एक चापाकल है, और चापाकल के बगल में शौचालय है, किचन है, और तमाम प्रकार की जो चीज़ें होनी चाहिए विद्यालय में वो है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। ये नाला दिखाइए गौतम, यही वो नाला की मैं बात कर रहा था जिसके सहारे बच्चे यहाँ पर और हेडमास्टर साहब और मास्टर साहब क्या बोलते हैं कि स्कूल के अंदर तक जाते हैं। अब मैं स्कूल के प्रांगण के कुछ ही कदम मतलब की दूरी पर हूँ, और आपको बहुत अच्छे से आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि विद्यालय की क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। उसको दिखाइए गौतम जी, उस विद्यालय को मैं मतलब कि बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने कैमरामैन से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उसको दिखाने का कोशिश करें। देखिए, किचन में ऐसा प्रतीत होता है कि चूल्हा पर खाना बनता है, और उस चूल्हा का जो मतलब कि उपले का जो अवशेष होता है वो क्या बोलते हैं कि स्कूल के बगल में इसको फेंक दिया गया है। ये चापाकल है, और ये शौचालय गृह है, और बच्चों को खेलने के लिए कुछ क्या बोलते हैं कि स्लाइडर वगैरह भी लगा हुआ है। और शौचालय गृह में ही पहले चलते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं जाते हैं, इसको दिखाइए गौतम जी अंदर जा करके। और हम हर एक विद्यालय में जहाँ भी जाते हैं, शौचालय और किचन, वॉशरूम जो भी होता है मतलब कि क्लासरूम, सभी से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। और इसका जो क्या बोलते हैं कि शौचालय लगभग ठीक ठाक है, उतना जर्जर नहीं है, उतना मतलब कि गंदा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ के मतलब कि साफ़ सफाई का जो प्रक्रिया है वो ठीक ठाक है। ये है किचन, और यही हमको दिखाई दिया मुख्य सड़क से, और हमको यहाँ पे मतलब कि खींच करके लेकर के चलाया कि अमित जी चलिए ज़रा हमको भी दिखाइए। और ये है क्या बोलते हैं कि किचन का गेट, ये लगता है कि नहीं? नहीं लगता है, नहीं। देखिए, किचन का गेट है जो कि लगता नहीं है कभी, ये मतलब कि 24/7 खुला हुआ रहता है। देखिए, रसोइयाँ हैं जो कि बता रहे हैं कि ऊपर देखिए, ये नीतीश कुमार के गृह जिले का क्या बोलते हैं कि प्राथमिक विद्यालय का किचन है।
और इस किचन का क्या स्थिति है, कैसे यहाँ पे खाना बनता होगा, कैसे यहाँ पे रसोइयाँ खाना बनाती है, कैसे क्या करती है नहीं करती है, ये हम रसोइयाँ से ही जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या बना था, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे है, आज बुध है, वेडनेसडे का मतलब दादी को नहीं पता है, बुधवार है। और क्या बोलते हैं कि खाना क्या बनाया, खिचड़ी चोखा। कहाँ से आते हैं आप, काजी चक से, यहीं से हैं, कब से खाना बना रही हैं आप, खाना तो बड़े दिन से बना रही है। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं कि स्थिति है मैडम, इसमें कैसे आप लोग खाना बनाते हैं, तो क्या कर रही था, कहा कहते हैं कि ऊपर ही से नार लो तो हम कहाँ से दियो। अच्छा, जब बारिश वारिश होता होगा तब खाना, इसी तीत भिंज के बना लियो, किचन जाकर रूम में रखा लियो, बना लियो इसी तीत लियो, क्या करियो, मतलब कि कोई सुविधा नहीं, नहीं कोई कोई सुविधा नहीं। हेड सर से कह लू, कहा नहीं ने, और बड़ी लड़ा ही उनका से। अच्छा, हेड सर से बड़ी लड़ाई, चिमकिल, हाँ चिमकिल के सहारे से आप लोग खाना बनाइएगा। हाँ, और क्या क्या सुविधा आप लोग, अच्छा चूल्हा पे खाना बनाएगा, गैस नहीं, गैस ना, अब आप ये रहा हमारा गलती, कोई गलती ना हो सर, नहीं आपका गलती नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए कि आपको गैस नहीं मिलता है। हाँ। हो गैस, बाकी खाना चूल्हे पर बनवा सब दिन। अच्छा, गैस हको लेकिन खाना चूल्हे पर बनवा। अच्छा, ये जो गेट है कभी लगता नहीं, नहीं ये तो साफ प्रतीत हो रहा है कि गेट कभी, हाँ वो तो हम दिख रहा है। और ये बगल में खिड़की है, और ये खिड़की के पीछे रॉड से मतलब कि इसको घेरा गया है, और उसके बाद ईट से उसको मतलब कि सज्जा किया गया है। और ये विंडो है, और विंडो का एक दरवाज़ा कहाँ उड़ करके चला गया जिसका कोई मालिक नहीं है, और दूसरा जो दरवाज़ा है वो एक है, और ये क्या बोलते हैं कि करकट है, जो कि हाँ जिससे चूल्हा झाँकते हैं, अगर बारिश हो जाए तो करकट से चूल्हा झाँकता है। देखिए ये खिचड़ी दिखाइएगा इसको, बताऊँ एक मतलब कि कुछ बचा है जो कि रसोइयाँ खाएंगी और यहीं पे खाएंगी, और मतलब कि थोड़ा बहुत जो भी होगा अवशेष, चोखा भी बना है, देखिए ये चोखा है और वो मतलब कि खिचड़ी है, और रसोइयाँ यहाँ पे बकायदे खाना डेली बनता है ना, हाँ खाना डेली बनता है, शौचालय ठीक है, लेकिन ये जो जर्जर स्थिति है इसके इसको सुधारने वाला कोई नहीं। हाँ, एगो यही हम मानी के जा रहा है खाली देह बनावे में। अच्छा, एक तो चूल्हा का धा और ऊपर से सूरज का धा, तो देखो ना देह कुछ दिखाइए सब, ना 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 ठीक है, घमौरी और मतलब कि जो भी मतलब कि आप लोग क्या बोलते हैं कि समस्याओं से जूझ रहे हैं, तैयो हम बनावा ही है, ना कहीं कि रिटायर ले वो का करें, के रुपये में 1500 मिला, हाँ 1500, 50 रुपये एक दिन के, हाँ 50 रुपये में तो कौची हो, पेट ना भरो, एक दिन जेबो तो 1500 के सामान लेके चले वो, खाली जी हुजूरी हो रहा, हाँ खाली जी हुजूरी, हेड सर है, हाँ। अच्छा देखिए, हेड सर से भी हम बात करने की कोशिश, लगता है कि सर आ ही रहे हैं, आप हेड सर हैं, अच्छा देखिए ये प्रभारी हैं और शायद हमें देख करके बाहर आए हैं, और हम इनसे अंदर जा करके बात करेंगे, और मतलब कि विद्यालय के जस्ट सामने बहुत सारा नाद है जो कि मवेशियों को मतलब कि खाने के लिए जो जिसको बोलते हैं कि वहाँ पे बंधाता होगा, और वहीं पे मवेशी खाते हैं, और उसके जस्ट क्या बोलते हैं कि पश्चिम साइड में प्राथमिक विद्यालय काजीचक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्मित, इसको दिखाइएगा गौतम जी, प्राथमिक विद्यालय काजीचक है और नगर पंचायत इस्लामपुर वार्ड संख्या 5 में पड़ता है, पोस्ट है इचहोस और प्रखंड है इस्लामपुर, 80-13-03 इसका पिन कोड है। अब मैं विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, और ये वर्ग एक है और प्रधानाध्यापक कक्ष है, चलिए सर आपसे कक्ष में हम बात कर लें कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, और क्या बोलते हैं कि लाइट वगैरह, नहीं नहीं नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें आपसे कुछ सवाल है, उस सवालों का हमको जवाब दे दीजिए, बस यहाँ से निकलेंगे। स्टार्टिंग में जब हम आए सर, तो चलिए शौचालय का तो स्थिति ठीक है, आपका जो किचन है उसका स्थिति बहुत जर्जर है, क्यों है? किचन के मामले में सर क्या बोले, 2014 में हम ज्वाइन किए हैं। अच्छा, 2014 से हैं और 2022 खत्म होने वाला, 14 में ज्वाइन किए हैं, 15 में हम इस स्कूल का चार्ज लिया है। अच्छा जी, 15 चार्ज लेने के बाद आज तक किचन रिपेयरिंग का कोई अमाउंट नहीं आया, मतलब कि 5 साल से कोई अमाउंट, पाँच साल 6-7 साल 15 से 22 7-8 साल हो गया, कोई अमाउंट नहीं आया है, फिर भी हमने 16 में पूरा किचन सेट का मरम्मति करवाया था। अच्छा। 16 में पूरा चदरा लगवा के पूरा मरम्मति करवाया था, अपने पैसे से? अपने पैसे से। अच्छा। और कुछ आता था, 5000 रुपया मरम्मति का आता था स्कूल का, उसी का उसमें लगा दिया, पूरा किया, फिर अंधड़ आया शायद 19 में कि 18 में आया, हवा तेज और सब उड़ा के लेके चला गया। आपके विद्यालय में खंडहर हो गया, उसके बाद से आज तक मरम्मति का पैसा नहीं है। अच्छा सर, अब वैसा स्थिति में किचन नहीं है कि 2000 रुपया हम लगा दें तो सुधर जाए,
उसमें मोटा रकम, मोटा रकम पूरा दीवार तक फटा हुआ है। दीवार नहीं है, गेट नहीं है, विंडो नहीं है, ऊपर शेड नहीं है, शेड नहीं है, उसका पिलर भी खत्म है, सब सारा चीज खत्म। अच्छा सर, इसका जवाबदेही कौन है, मतलब कि कौन यहाँ के? यही तो सर, खुद हम लेते हैं जब हम यहाँ का एज ए प्रभारी हैं तो, लेकिन हम आगे सूचना देते हैं लेकिन विभाग उस पर अमल नहीं करती है। कोई अमल नहीं करती है। मतलब कि एकदम जिसको बोलते हैं कि एकदम कान में रू डाल, बस नया MDM प्रभारी आए उनसे भी बात रखें, है ना, कि सर किचन के बारे में कुछ सोचिए सर, रसोईया रोज हमको परेशान करती हैं कि कैसे खाना बनाएं, इतना धूप है सर, इतना गर्मी है, लेकिन क्या करें, हम यहाँ सुनते हैं इन लोग का बात, हम आगे सुनाते हैं वो बात वहीं, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं, आप रसोईया का सुन लेते हैं लेकिन आपको इस स्कूल में, इस स्कूल का स्थिति आप देख लिए, बाउंड्री बार नहीं है सर, बाहर आकर के बात करिए सर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहले स्कूल सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। बाउंड्री नहीं रहने के बावजूद भी हम अपना स्कूल, आप बाथरूम गए होंगे लैट्रिन, हम अपना बाथरूम सेफ रखते हैं, लैट्रिन क्लासरूम सेफ रखते हैं, जो है मेरा उसी को हम, बस नीचे मेरा जगह नहीं है, जगह यहाँ मतलब विद्यालय विस्तार के लिए बहुत जगह है, पर्याप्त जगह है, मतलब कि जमीन है 6 acres 50 decibels जमीन यहाँ। अच्छा जी, 6 acres 50 decibels में मात्र 21 decibels विद्यालय के नाम पर लोगों ने, हमको तो पूरी कहानी पता है नहीं, ग्रामीण लोगों का कहना 21 decibels विद्यालय को दिया गया है, उसमें भी 10 decibels अतिक्रमण है, जिसमें आप नाद आए देख रहे हैं खपड़े का मकान, ये सब मतलब कि स्कूल का, सब स्कूल का जमीन है, पूरा नाद आती, देखिए हम लोग को इतना दिक्कत होता है कि चेतना सत्र करवाने में, सोच लीजिए सारा काम हम इस बरामदे में ही करवा, इतने बच्चे हैं, बच्चे यहाँ 91 नामांकन है, प्रेजेंट 60-65-70 तक रहते हैं, मतलब कि 60-70% बच्चे जी जी। टीचर कितने हैं? टीचर यहाँ 3 है, एक नव नियुक्त है, 2 पहले से। अच्छा, मतलब कि टोटल प्रेजेंट अभी कितना है? 3 के, मतलब कि सभी आए? हाँ सब यहाँ आए हुए, सब आए हुए हैं, उधर क्लास चल रहा है ना। देखिए सर का कहना है कि हम लोग लगातार विभाग को लेटर लिखते हैं, जो भी समस्या होती है उससे रूबरू करवाते हैं, लेकिन विभाग के कान पे जूम तक नहीं रेंगता है। और देखिए ये पहला हमको विद्यालय मिला है जो मतलब कि बरामदे में पंखा लगवा दिए हैं सर, जो खाना खाने के लिए, और कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ के क्लास रूम में भी पंखे नहीं होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, जो कि मतलब कि सर का मेन इसमें 4-5 है, और सभी बच्चे मतलब कि बकायदे दरी पे बैठ करके, बैठ जाइए छोटी और आप लोग बैठ जाइए, हम आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, और ये 4-5 क्लास है और क्लास रूम में पंखा चल रहा है, और मैडम हैं जो कि क्या बोलते हैं कि ऊ की मात्रा और छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा पढ़ा रहे हैं, डेट लिखा हुआ है, और जो भी मतलब कि फोर और फाइव क्लास के बच्चों को जो मतलब कि होना चाहिए वो है। मैडम एक बात बताइए कि ये सब जो बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं और कौन कौन से क्लास के बच्चे? आसपास के गांव के ही हैं। अच्छा नए आए, आप नए नियुक्ति में है ना? जी। कब यहाँ पे पोस्टिंग हुआ आपका? मार्च में हुआ है। अच्छा, मार्च में हुआ और मार्च से लगातार यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे आते हैं? कोई आइडिया है? अटेंडेंस आप लिए होंगे? हाँ अटेंडेंस तो हम ही लिए हैं। कितने बच्चे हैं? 150 मतलब कि 20-22 स्टूडेंट हैं। हाँ 4-5 में 20-22 हैं। मतलब कि 20-22 स्टूडेंट हैं दोनों क्लास मिला करके, है ना? बच्चों को अभी क्या पढ़ा रही है मैडम? अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं। देखिए ये सब जो मतलब कि इस्लामपुर के भविष्य हैं, इस्लामपुर के नौनिहाल हैं, और बाकायदे एकदम दरी पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है छोटी आपका? आयला कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? चौथा में पढ़ती हैं। मैडम क्या पढ़ा रही थी अभी आप क्या पढ़ रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे। देखिए हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? अच्छा ये इंग्लिश है। क्या लिखे हैं आप कॉपी पे, पढ़ के बताइए तो इसको। अच्छा ये आप ही लिखे हैं ना? अच्छा देखिए बच्चे लिखे हैं, सिंग लिखे हैं, टॉक लिखे हैं, बात लिखे हैं, गिव लिखे हैं, ये सब मतलब कि मैडम पढ़ाई थी अभी। अच्छा ये सब सर आप लोग को पढ़ाते हैं, डेली आते हैं सर पढ़ाने? खाना मिलता है? बोलिए ना, खाना मिलता है? हाँ। खाना मिलता है। अच्छा आप कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? यहाँ पास है, यहीं काजी चक से, गांव के काजी चक से आते हैं। पापा का क्या नाम? राजेश रविदास। अच्छा पापा क्या करते हैं? पेंट वाला काम करते हैं। और कौन से क्लास में पढ़ती हैं? चौथा में पढ़ती हैं। आपका नाम क्या है? अलखा कुमारी। क्या पढ़ रही थी आप? हिंदी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हिंदी में छोटी? हिंदी नहीं, हिंदी में मैडम क्या पढ़ा रहे थे अभी?
देखें आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? अलखा कुमारी। अलखा कुमारी लिखने आता है आपको अपना नाम? इधर आइएगा गौतम जी, आपको अपना नाम लिखने आता है? हाँ। लिखिए तो यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे लिखिए तो। अलखा कुमारी। अच्छा आप फोर्थ क्लास में पढ़ती हैं, इंग्लिश में आता है नाम लिखने? लिखिए तो। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए छोटी, आप जो यहाँ पे रहते हैं वो कौन सा जिला में पड़ता है? आप कौन सा जिला के रहने वाले हैं? आपके जिला का नाम क्या है? नालंदा। नालंदा जिला का नाम है आपका। आपके मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ये सब कौन बताते हैं आपको? मैम। मैम बताते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब कि जो बच्चों को होना चाहिए, बच्चों को जो जानकारी होना चाहिए वो है, ये रियलिटी है बच्चों को, मतलब कि अपना नाम लिखने आ रहा है, मुख्यमंत्री का नाम पता है, जिले का नाम पता है, और फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चों को इसे पता है, तो इससे प्रतीत होता है कि पढ़ाई लिखाई होती है स्कूल में, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसका अभाव है। और सर इसके लिए मतलब कि विभाग को लेटर लिख चुके हैं लेकिन विभाग के कान पर जू नहीं रेंग रहा। अच्छा सर एक बात बताइए कि ये सब उपले रखे हुए हैं आप ही लोग का है? जी सर। अच्छा ये सब आप ही लोग? जी रखवाए हैं हम, सरिया के रखवाए हैं साइड में। अच्छा ये इससे खाना बनता है? जी इस जगह का मिस यूज लोग ग्रामीण लोग कर देते थे, तो हम ही इसको है जो कि सोचे यूज में ला देते हैं। बालू एक ट्रैक्टर गिरवाए थे। अच्छा, अच्छा। तो बालू भी रखवा दिए हैं, कुछ कुछ काम करवाते हैं, जैसे अभी दीवार लगवाए, ग्रिल लगवाए, लाइटिंग में दरवाजा लगवाए है ना, तो ये सब के लिए बालू एक ट्रैक्टर गिरवा दिए हैं ताकि मतलब कि जो भी छोटा बड़ा काम हो उससे होते रहे, उसके लिए मतलब कि रुकना ना पड़े। और देखिए एक चौकी लगा हुआ है, ग्रामीण वगैरह यहाँ पे रहते होंगे और जो भी। अच्छा ये कौन सा क्लास है सर? ये अभी तो इसमें बैठाए हुए हैं, थ्री ऐसे नीचे बैठाते थे लेकिन वन टू थ्री इसमें है। और बगल वो मतलब कि विद्यालय का ही भवन है वो? जी विद्यालय का भवन है। अच्छा ये भी विद्यालय का? अच्छा ये विद्यालय का ही भवन है, और विद्यालय के भवन पे शायद गेहूँ सूख रहा है, और उसके बगल में आंगनबाड़ी है ना, उसमें आंगनबाड़ी है। और ये जो क्लास है 1-2-3 है, और 1-2-3 में मतलब कि बच्चे हैं और मैडम भी हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं, उल्टी गिनती। अच्छा अच्छा वो मैडम है? अच्छा वो मैडम है, इधर आ जाए मैम, मैं सब अथी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हाँ संख्या कार्ड है जो कि मतलब कि मैडम को मिला हुआ है, और इसी से बच्चों को पढ़ाते हैं ना। एक बात बताइए मैडम, आप कहाँ से आती हैं? मैं तो इस्लामपुर से ही हूँ। अच्छा इस्लामपुर से ही हैं आप, यहीं के रहने वाले? रहने वाले हैं यहाँ कि नहीं हैं? अच्छा यहीं से आते हैं डेली पढ़ाने। आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी, ये कौन से क्लास के बच्चे? 1-2-3 है। 1-2-3 है, क्या पढ़ा रहे थे? अभी तो उल्टी गिनती सिखा रहे थे। अच्छा उल्टी गिनती सिखा रहे थे, और 1-2-3 क्लास के बच्चे हैं, इसके पहले क्या पढ़ा रहे थे? इसके पहले बताए थे जोड़। अच्छा जोड़ घटाओ बताए थे, और आज कौन सा तारीख है? हाँ सब्जेक्ट कौन सा? आज सुबह में मैथ पढ़ाए थे। अभी भी तो मैथ ही लगा? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा देखिए ये सब 1-2-3 क्लास के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और दरी पे बकायदे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और ये मैडम अभी बच्चों को हाथ पकड़ करके बता रही थी, क्या बता रहे थे छोटू मैडम आपको? मैडम आपको क्या बता रहे थे? उल्टी गिनती पढ़ा रहे थे। क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़ के बताओ। 199 बोल रहे हैं ना, पूरा बताइए ना। 99, 98, 99, 95, 96, 99, 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 99
पढ़ते हैं, उबंटू आता है, टी अथी टू का स्पेलिंग क्या होता है, उबंटू आता है ना, वो ए निबान जैसा करके, टू का स्पेलिंग क्या होता है, टू का स्पेलिंग किसको आता है छोटू, किसी को आता है, किसी को आता है टू का स्पेलिंग? अच्छा देखिए, वो एक बच्चा है जिसको टू का स्पेलिंग आता है, उससे हम पूछने की कोशिश करते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं छोटू? थ्री। अच्छा थ्री क्लास में पढ़ते हैं, इसीलिए टू का स्पेलिंग आता है। कहाँ से आते हैं पढ़ने, कहाँ घर है? नया टोला। अच्छा नया टोला काशी चक। टू का स्पेलिंग क्या होता है? टी डब्ल्यू ओ टू, टू मीन्स दो। टू मीन्स दो। कौन पढ़ाया है, कौन बताते हैं सब? मैम। अच्छा मैम बताते हैं। अभी क्या पढ़ा रहे थे मैम? यस
अकार की मात्रा। अकार की मात्रा, अच्छा आ आकार आ, आ मतलब कि आकार आ आकार आ ये वाला पढ़ा रहे थे? नहीं। हाँ वही है, मतलब कि काम है दाम है नाम है, ये सब पढ़ा रहे थे आपको ना? जी। अच्छा आपको आपका नाम क्या है? धनराज कुमार। अपना नाम लिखना आता आपको? जी। लिखे तो, लिखे तो अपना नाम। अच्छा यहीं पे लिखे ना, यहीं पे लिखे तो। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए छोटू, अभी मैम आपको पढ़ा रहे हैं उल्टी गिनती, है ना? उल्टी गिनती आता है आपको? उल्टी गिनती पढ़ के बताइए तो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92। अच्छा एक बात बताइए, 77 बड़ा है कि 78 बड़ा है? 78। बहुत बढ़िया, मतलब कि बच्चे यहाँ पे टैलेंटेड हैं नो डाउट, और ये मतलब कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो कि मतलब कि सवाल का जवाब ना दे सका हो। आपका नाम क्या है छोटी? पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी, आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? नया टला काजी से। काजी, काजी चक। पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं आपके? पेंट करते हैं। अच्छा पेंट करते हैं, पापा पेंटर हैं, है ना? आप एक बात बताइए छोटी, ABCD आता है आपको? ABCD पढ़ के सुनाइए तो हमको। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बहुत बढ़िया। ABCD में कितने अक्षर होते हैं पता है? 26। 26, मतलब कि हमको सवाल पूछने से पहले बता दिया सर, इतने मतलब कि बच्चे टैलेंटेड हैं यहाँ पे। और 1, 2, 3 क्लास के बच्चे हैं, नीचे 4, 5 क्लास के बच्चे थे। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने छोटी? कहाँ से आते हैं पढ़ने? कहाँ घर है? तलकाजी चक। काजी चक से आते हैं। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3। 3 में पढ़ते हैं। 1, 2 आता है? 3 का स्पेलिंग क्या होता है? T H R 3 मीन्स कितना होता है? 3। बहुत बढ़िया, मतलब कि बच्चे टैलेंटेड हैं नो डाउट, और मतलब कि यहाँ पे जो मैडम है वो हाथ पकड़ करके बच्चों को बता रहे थे, ये बहुत अच्छा लगा हमको देख करके। और यहाँ पे मतलब कि टीचर हैं जो कि बच्चे से घुल मिल करके पढ़ाते हैं, और बच्चे में ज्ञान है वो दिख रहा है, मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और ये सर, सर अपना नाम नहीं बताए? नीतीश कुमार मेरा नाम हुआ सर। आपका नाम नीतीश कुमार? अपने हिसाब से स्कूल को बेहतर बनाने में हमेशा प्रयास रहते हैं, खास करके हम ये सोचते हैं कि बच्चे जो यहाँ आते हैं कुछ ले कर जा, क्योंकि यही वो मतलब कि कड़ी होता है जहाँ से बच्चे सीखते हैं कुछ और मतलब कि आगे भविष्य। लेकिन कुछ गार्जियन की कमी है सर, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए गार्जियन न तो किताब पर ध्यान देते हैं कि बच्चे के पास किताब है, पैसा आता है, लेकिन पैसा आता है कितनों दबाव दीजिए अभी तक किताब नहीं खरीदे हैं, कॉपी है तो पेंसिल नहीं है, पेंसिल है तो कॉपी नहीं है, इसके बावजूद भी स्कूल में पढ़ाई के मामले में हम कोई कोताही नहीं बरतते, वो दिख रहा है। मतलब कि हम खुद यहाँ मौजूद रहते हैं, खुद क्लास लेते हैं, 9 से 3 हिलते नहीं हैं हम। हाँ वो तो दिख रहा है अभी, मतलब कि 1/22 भी आइए, कभी भी आइए, हम खुद यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, या तो ग्रामीण से किन्हीं से पूछ लीजिए। अच्छा सर एक बात और बताइए, जैसे कि जो भी यहाँ पर समस्या है उस समस्याओं के बारे में अपने वरीय पदाधिकारी को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम सर सबसे बड़ा तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे पदाधिकारी लोगों को कि यहाँ सर बाउंड्री की सुविधा मुहैया कराया जाए। बाउंड्री नहीं रहने के कारण कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ क्लास लेते समय भी यहाँ पहुँच जाते हैं, और देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है जानवर और अथी का, मतलब बच्चे यहाँ खेलने का जगह नहीं है। सबसे पहले तो बाउंड्री वाल की आवश्यकता है। चेतना सत्र में जो समस्याएं होती है, चेतना सत्र में पूरा दिन समस्याएं होती है, खुला स्कूल है, कोई भी आ जाते हैं, कोई भी यहाँ कभी उपद्रवी लोग भी आ जाते हैं, कभी कभी कुछ अलाय बलाय बोलने लगते हैं। हम एक दिन नहीं थे तो मैडम से ही कुछ एक आ गए ग्रामीण के, तो कुछ लोग यहाँ उल्टा सीधा बोलने लगे। देखिए ये जो सर हैं नीतीश सर जो कि प्रभारी हैं, और क्या बोलते हैं इधर आ जाए सर, ये जो प्रभारी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए, इनका कहना है कि जो भी समस्याएं हैं विद्यालय में और जो भी समस्या है वो आप देखें, किचन का जो समस्या है वो इतना बड़ा समस्या है जिसको आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देखे होंगे, और ये वरीय पदाधिकारी को बार बार आवेदन लिखते हैं लेकिन वरीय पदाधिकारी को कान पे जू तक नहीं रेंगता है। करोड़ों रुपया का बजट आता है लेकिन वो बजट कहाँ चला जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जमीन अतिक्रमण के लिए CO साहब के पास हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक इसमें लगे हुए हैं, जमीन अतिक्रमण में सभी जगह CO के पास जाते हैं, SDO के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं, मतलब कि वरीय पदाधिकारियों तक आप लोग शिकायत पहुंचा सके हैं लेकिन इसका कायाकल्प दूर नहीं हो सका है।
आज तक इस जमीन का मामला नहीं सुलझा है, नहीं सुलझा है। और हम कोशिश और हमारी प्रयास यही रही कि ये जो विद्यालय का जो भी मतलब की स्थिति परिस्थिति है, इसको यहाँ के वरीय पदाधिकारी देखें और इस पर संज्ञान लें, ताकि यहाँ पे जो भी मतलब की समस्या है वो समस्या इन फ्यूचर ना हो। हम ऐसे ही विद्यालयों की स्थिति और परिस्थिति से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।